लोकसभा चुनावों के बीच मोदी को हो गया कैंसर, भारी मन से बोले, लोगों को बताने का समय आ गया, कैंसर की वजह से नहीं कर पाएंगे बीजेपी की मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी के बिना बिहार की राजनीति अधूरी ही रहेगी, क्योंकि यही वो नाम है जिसने जंगल राज के दौर में भी हर मोर्चे पर लालू यादव से टक्कर दी और आज भी बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए लालू परिवार को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसे दिग्गज नेता का साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 70 के दशक से राजनीति कर रहे सुशील कुमार मोदी ने बड़े ही भारी मन से कह दिया कि अब मैं लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सब कुछ बता दिया है। दरअसल साल 2005 से 2013 तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और इसी साल अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और ना ही उन्हें बिहार के एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा था, देश में बहुत कम कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने 33 साल तक लगातार देश के चारों सदनों में भेजने का काम किया हो। मैं पार्टी का सदैव आभारी रहूंगा और पहले के समान कार्य करता रहूंगा। टिकट न मिलने के बावजूद सुशील कुमार मोदी एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह लगातार पार्टी के लिए पसीना बहाते रहे। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर मोर्चे पर मोदी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे और इस बार के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को सुशील कुमार मोदी की और भी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाकर विरोधी मोदी को हराने की रणनीति जो बना रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को इस बार बिहार में कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी की मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही हैं और ये बात आज तक उन्होंने अपने समर्थकों से छुपाए रखी। लेकिन 3 अप्रैल को उन्होंने बड़े ही भारी मन से एक ट्वीट में ये बात लोगों को बताई। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा, पीएम को सब कुछ बता दिया है, देश बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्थन। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जैसे ही दुखद खबर लोगों को दी, सोशल मीडिया पर लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगे। बिहार के बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र ने एक ट्वीट में लिखा, मेरे अभिभावक मुझे हर पल स्नेह देने वाले मार्गदर्शक बड़े भाई बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली, मुझे तनिक भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि आप 6 महीने से इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, फिर भी आपने इस बात की जानकारी आज अपने ट्विटर हैंडल से दी। मन अंदर से बहुत विचलित हो रहा है। माँ काली से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ और आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच फिर से अपना मार्गदर्शन करें। पत्रकार अरविंद चोटिया ने लिखा, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पिछले 6 महीने से कैंसर से जूझ रही हैं। सुशील जी के पूर्वज हमारे सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे से कारोबार के सिलसिले में बिहार गए थे, फिर वो वहीं के होकर रह गए। ईश्वर सुशील मोदी जी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। पत्रकार कमर वहीद नकवी ने भी एक ट्वीट में लिखा, आप शीघ्र ही पूरी तरह स्वस्थ हो, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं। मोदी विरोधी ट्विटर हैंडल राहुल गांधी से लिखा गया, आपके जल्द बेहतर होने की कामना करते हैं सर। इंडिया गठबंधन नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, राजनीति अपनी जगह है लेकिन हम सब चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर दोबारा राजनीति में आएं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के अस्वस्थ होने की सूचना मिली, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, स्वस्थ होकर फिर से सक्रिय जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना बिहार की जनता भी करती है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जब से खुद को कैंसर होने की जानकारी दी है, सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल बलूनी को भी कैंसर हुआ था, हालांकि वो जल्द ठीक होकर फिर से सक्रिय राजनीति में उतर गए और इस बार उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सुशील कुमार मोदी भी इसी तरह से कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देकर एक बार फिर सक्रिय राजनीति में उतरेंगे। सुशील मोदी का सियासी सफर। सुशील कुमार मोदी 70 के दशक के जेपी आंदोलन की उपज हैं। आरएसएस से जुड़े सुशील कुमार मोदी 1971 में छात्र राजनीति में उतरे, 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव रहे,
1990 में पटना केंद्रीय विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बने। 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में सुशील कुमार मोदी विपक्ष के नेता रहे। साल 2004 में भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर सांसद बने। साल 2005 में एमएलसी बनकर बिहार में डिप्टी सीएम का पद संभाला। यहीं से नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी का सियासी सफर शुरू हुआ। बिहार सरकार में 2017 से 2020 तक सुशील मोदी फिर डिप्टी सीएम बने। 2020 में बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा सांसद बनाया। अप्रैल में कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन बीजेपी ने दोबारा टिकट नहीं दिया। सुशील कुमार मोदी बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। साल 2014 में उनका एक बयान काफी सुर्खियों में था, जब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं और 2014 के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। उसी दौरान नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम पद का चेहरा बनाया था। ऐसे में सुशील कुमार मोदी के इस बयान की काफी चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि किसी ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या पीएम मटेरियल है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मटेरियल तो है ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल, कैंसर की वजह से राजनीति से दूरी बनाने वाले सुशील कुमार मोदी जैसे बड़े नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।